घड़ियाल को इंसानों पर अटैक करते देखा है? क्या आपने कभी उन मछलियों के बारे में सुना है जो होती तो पिद्दी सी है लेकिन शार्क से भी ज्यादा खतरनाक शिकारी है और इंसानों के टुकड़े टुकड़े करके खा जाती है? क्या आप जानते हैं कि कौन है वो शख्स जो 400 सांपों के अटैक के बाद भी जिंदा रहा? अगर नहीं तो बस अपनी स्क्रीन से एक सेकंड के लिए भी मत हटिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट अमेज़न के जंगल से 10 ऐसे रियल और खतरनाक अटैक्स जो अगर कैमरा में कैद ना होते तो कोई यकीन नहीं करता। नंबर 10, केमन एक बहुत ही विशाल पानी का क्रिएचर होता है जिसे भले ही आप पानी की छिपकली बोल दो लेकिन ये जीव मगरमच्छ और घड़ियालों से भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार होता है। आप माने या ना माने, इसके इंसानों के शिकार करने का रेशियो पैंथर, एनाकोंडा और शार्क से काफी ज्यादा है। इसकी हाइट लगभग 7 से 10 फीट तक होती है जो कि घड़ियालों से काफी कम है, लेकिन इसके नुकीले दांत और बाइट फोर्स किसी भी जानवर के गर्दन की हड्डी तोड़ने के लिए काफी है। ऐसा ही एक बार ब्राजील के जंगल में तब हुआ जब 7 बच्चे एक साथ पानी में तैरते हुए फुल मस्ती कर रहे थे। तभी एक 11 साल की बच्ची पर एक केमैन ने ऐसा अटैक किया कि वो अचानक से पूरी तरह गायब हो गई। खुशनसीबी से वहाँ जंगल के सिपाही निगरानी रख रहे थे, तभी उन्होंने इस घटना को देख लिया और बड़ी मुश्किल से केमैन को पकड़ सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लड़की को बचाने में काफी देर हो चुकी थी। जब इस लड़की के बॉडी का एक्सरे किया गया तब पता चला कि केमैन ने इसे सीधे गर्दन से पकड़कर खोपड़ी चूर कर डाली थी। नंबर 9, जंगल और डिस्कवरी के दुनिया में इंटरेस्ट रखने वाले लोग कायोटे पीटरसन को ना जाने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करके उसे अपने कैमरा में कैद करने का जो जुनून इस आदमी में है वो शायद ही किसी और में हो। लास्ट ईयर पूरी दुनिया कोरोना की तबाही से त्रस्त थी, तब ये महाशय अमेज़न के जंगल में जाकर वहाँ के जहरीले और दुनिया के सबसे खतरनाक चींटियों बुलेट एंट से खुद को जानबूझकर कटवा रहे थे और उसे कैमरा में कैद कर रहे थे। आपको ये बता दूं कि एक बुलेट एंट के काटने पर जो दर्द होता है वो किसी गन से लगने वाली गोली के दर्द से भी ज्यादा होता है, और कई लोग तो इनके काटने के बाद हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं। और ऐसी ही कुछ हालत पीटरसन की भी हुई जब इन चींटियों से कटवाते हुए ये फिल्म शूट कर रहे थे, तब दर्द और जहर के मारे ये बेहोश हो गए थे। नंबर 8, ये खतरनाक समुद्री हमले की कहानी है 2013 की, जब कुछ लोगों के ग्रुप ने अमेज़न जंगल के नदी किनारे अपना पिकनिक प्लान किया था। ये लोग नदी में तैरते हुए अपना डे एंजॉय कर रहे थे और तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अचानक ही लोगों ने अपने पैर और हाथ पर एक अजीब सा दर्द महसूस किया। ये दर्द इतना खतरनाक था कि लोग तैर भी नहीं पा रहे थे और डूबने के कगार पर आ गए। बड़ी मुश्किल से जब लोग बाहर निकले तब उन्हें अपने हाथ और पैर खून से सने हुए दिखे। अब नदी में तो शार्क वेल नहीं हो सकते, तो आखिर किसने किया इन लोगों का ये अंजाम? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये अटैक पिरहाना नाम की मछलियों के एक शैतान और भूखे गैंग ने किया था। ऐसा नहीं है कि पिरहाना का ये अटैक पहली बार दुनिया के नजरों के सामने आया था, इसके पहले और इसके बाद भी ऐसी न्यूज और तस्वीरें आई है जो इस डेविल फिश के हरकतों की गवाही दे रही थी। 1-2 केसेस में तो ऐसा भी हुआ है जिनमें इन मछलियों के गैंग ने लोगों की उंगलियां तक खा डाली है। ये फिश दुनिया भर में नदियों में मिलती है और इंसानों के खून को मीलों दूर से सूंघ लेती है और इकट्ठा होकर जिंदा इंसानों पर अटैक कर देती है। होती तो है ये मैक्सिमम 17 इंच की मछलियाँ, लेकिन ये इतनी खतरनाक है जिसका जवाब नहीं। इनके दांत काफी पैने और नुकीले होते हैं जो किसी भी इंसान को तुरंत चीड़ फाड़ देने के काबिल होते हैं। तो अगर आप भी स्विमिंग करना पसंद करते हैं तो पहले ये पता लगा लीजिएगा कि कहीं आपकी नदी में पिराना तो नहीं मिलती। अगर आप ये कहेंगे कि ये कहानियां तो अमेज़न के जंगलों की है, तो मेरे दोस्त आपको ये बता दे कि पिराना फिश इंडिया में भी काफी मिलती है और सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के इलाकों में पाई जाती है। नंबर 7, अब आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक और खौफनाक टाइगर शार्क के अटैक को। ये कहानी है ब्राजीलियन बीच की, जब एक 18 साल का लड़का समुद्र में स्विमिंग कर रहा था तभी अचानक से एक टाइगर शार्क ने उस पर हमला कर दिया। ओह माय गॉड! हालांकि वो लड़का टाइगर शार्क को पंच मार के और अपने स्विमिंग स्किल्स के सहारे ऊपर की तरफ तो भाग निकला, लेकिन दुख की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। खून से लथपथ इस लड़के को जब लोगों ने देखा तो उसे तुरंत एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और दर्दनाक कहानी तब जाकर सामने उभरी। डॉक्टर्स ने बताया कि भले ही शार्क के हमले से लड़के की जान बच गई, मगर उसकी एक टांग और पीनिस शार्क अपने जबड़े में इस तरह नोच ले गई कि उन्हें उसकी एक टांग काटनी पड़ी और उसके प्राइवेट पार्ट्स तक ब्लड सर्कुलेशन करवाने की कोशिश की गई, मगर लड़के की बॉडी अनरिस्पॉन्सिव रही। उफ, कितनी क्रूर दास्ता है ये। डॉक्टर्स ने लगातार 3 घंटे की इमरजेंसी ऑपरेशन करी, मगर लड़के को लगातार आते हुए मेजर हार्ट अटैक्स ने उसकी जान ले ली। डॉक्टर्स का कहना था कि उसके बॉडी का आधे से ज्यादा खून लॉस्ट हो चुका था और इस वजह से उसकी जान बचाना लगभग असंभव हो गया था। देखा कितनी खतरनाक होती है ये शार्क।
नंबर 6। एक सांप अगर डस ले तो फिर जिंदगी के लाले पड़ जाते हैं, और यहाँ तो हम ऐसे इंसानों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने 400 सांपों का मुकाबला किया और बिल्कुल जिंदा सही सलामत जंगलों से वापस भी आ गए इस खौफनाक जर्नी की जीती जागती कहानी बनकर। हम बात कर रहे हैं दुनिया के मशहूर जंगल एक्सप्लोरर एक्स स्टेफर्ड के बारे में, जो दुनिया के पहले इंसान बने जिन्होंने 2010 में पहली बार अमेज़न रिवर की पूरी यात्रा की है, वो भी ऑन फुट। अगर आप डिस्कवरी चैनल के शो ड्रॉप फॉर डेथ के शौकीन हैं, तो आप इन्हें जरूर पहचानते होंगे। ये वो डेयर डेविल है जो खुद को किसी भी खतरनाक जंगल में ड्रॉप करवा लेते हैं जहाँ जीना नामुमकिन होता है, और ऐसी जगह रह करके वहाँ के एक्सट्रीम लाइफ को शूट करते हैं। बहरहाल हम वापस लौटते हैं अपनी कहानी की ओर, जहाँ इन महाशय ने 400 सांपों का सामना किया। इनकी माने तो इन्होंने बताया कि दुनिया में जितने खतरनाक सांप अमेज़न रेन फॉरेस्ट में है उतने कहीं और नहीं है, और इनमें से कई सांपों के बारे में हमें पता भी नहीं है। इन्होंने ही बताया कि रास्ते में इनका सामना अमेज़न पिट वाइपर से भी हुआ था। आपको बता दे कि पिट वाइपर्स दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांप माने जाते हैं, जो अगर इंसान को काट ले तो उसकी स्किन फटने लगती है और खून बहने लगता है। इसके अलावा सिर से, नाखूनों से और यहाँ तक कि आँखों से भी खून के फवारे छूटने लगते हैं, और हार्ट अटैक्स आने के साथ ही इंसान कुछ मिनटों में मर जाता है। लेकिन लकी एट स्टेफर्ड ने बताया कि भले ही वो इन सब सांपों से मिले, लेकिन किसी ने उन पर अटैक नहीं किया और वो सही सलामत पूरी नदी घूम सके। नंबर 5, एनाकोंडा। अब बात करते हैं एक ऐसी सच्ची घटना की जिसमें एक एनाकोंडा ने एक साथ 3-3 साइंटिस्ट पर हमला कर दिया और उन्हें निगल जाने पर उतारू हो गया। बाकी कहानियों की तरह ये कहानी अमेज़न के जंगल की तो नहीं, लेकिन वहाँ पाए जाने वाले ग्रेट एनाकोंडा की है। वेनेजुएला के जंगली नदी में आराम फरमाता यह एनाकोंडा काफी बड़ा और खतरनाक दिख रहा था, और कहानी तब शुरू हुई जब 3 साइंटिस्ट की टीम इस नदी में बोटिंग के मजे ले रहे थे। वैसे इन नेक सांप को इनकी नदी में घूमने से कोई दिक्कत नहीं थी और ये आराम से फैला हुआ नदी में इंजॉय कर रहा था। कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब ये साइंटिस्ट पानी से उतर कर उसे पकड़ने चल दिए। अब एनाकोंडा तो ठहरा सबसे खतरनाक सांप, जो डसता नहीं सीधे निकल जाता है। उसने पलटवार कर दिया। हालांकि साइंटिस्ट पहले से चौकन्ने थे, इसलिए उन्होंने फटाफट इसके हमले से बचते हुए इसे पकड़ लिया, लेकिन अजगर का वार खाली नहीं गया। उसने एक साइंटिस्ट के कलाई अपने जबड़े से बुरी तरह काट दी। वैसे साथी वैज्ञानिकों के समझदारी के वजह से जान तो बच गई, लेकिन इन्हें अपनी उंगलियां गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि अजगर के काटने से जहर तो नहीं फैलता, लेकिन इसका दर्द काफी खतरनाक होता है, और कई बार जिन्हें अजगर काट लेता है उन्हें जिंदगी किस्मत से ही वापस मिलती है। नंबर 4। अगर आपको लगता है कि जंगलों में शिकार और दरिंदगी भरे हमले सिर्फ जानवर करते हैं, तो यहाँ आप गलत है, क्योंकि आज मैं पर्दा उठाने वाला हूँ उस कहानी से जिसका अंजाम कोई सोच भी नहीं सकता। ये बात है 2020 की, जब ब्राजील के एक एक्सपर्ट ऑफिशियल का सामना हुआ अमेज़न के सबसे खतरनाक प्रजाति से, जो किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसानों की थी। जी हाँ, द आवा नाम की ये जंगली प्रजाति अमेज़न के घने जंगलों में रहती है, जिनके करीब 360 मेंबर्स बताए जाते हैं। इनका बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, और ना ही इन्हें बाहरी दुनिया के बारे में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट है। ये बस इतना जानते हैं कि बाहरी दुनिया बहुत डेंजरस है और बाकी दुनिया से खुद को बचाना बहुत जरूरी है। बहरहाल उस ब्राजीलियन ऑफिसर की डेड बॉडी मिली, वो भी भाले से ठीक उसके सीने में घुसी हुई, और ये काम था इन्हीं द आवा प्रजाति के लोगों का, जो तीर और भाले से शिकार करते हैं और अपनी ही दुनिया में रहते हैं। ये कहानी बताते हुए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आपका क्या हाल है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 3। वेल, अब तक तो हम बात कर रहे थे अमेज़न के भयानक जंगली हमलों के बारे में, लेकिन ये कहानी सिर्फ आपके रोंगटे नहीं खड़े करेगी बल्कि आपको मुस्कुराने का एक खूबसूरत रीजन भी देगी। ये एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी है जिसमें इस ट्रैवलर की किस्मत ने इसका ऐसा साथ दिया कि ये कहानी सदियों की सबसे ज्यादा रोमांचक और रेयर स्टोरी बन के उभरी। मेकुल कोरोसियाकुनी नाम के इस ट्रैवलर ने दोस्तों के साथ एडवेंचर ट्रिप को प्लान किया और ये निकल पड़े अमेज़न के घने जंगलों की तरफ। अफसोस तो ये था कि पहली रात ही ये अपने टेंट से एक्सप्लोर करने निकले और जंगल में अपने साथियों से बिछड़ कर गुम हो गए। ये बेचारा अपनी किस्मत को कोसता हुआ एक या दो दिन नहीं बल्कि पूरे 9 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर भटकता रहा। इनका कहना है कि जंगली कीड़े मकोड़े ने इन्हें बुरी तरह काटा और कई बार ये बेहोश भी हुए, लेकिन पेड़ों पर कूदते हुए बंदरों ने इनका पूरे 9 दिन तक साथ निभाया। वो पेड़ों पर से फलों को तोड़कर इसकी तरफ फेंका करते थे और इसकी रक्षा भी करते थे। आखिर में 9वें दिन इनके दोस्तों ने इन्हें आधे बेहोशी की हालत में ढूंढा और हॉस्पिटलाइज करवाया। डॉक्टर्स का कहना था कि ये काफी जहर अपने वेन्स में इकट्ठा कर चुके थे, इसलिए 2-3 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। कुछ लोग तो इनके सर्वाइवल स्टोरी पर यकीन नहीं करते और कुछ लोग कहते हैं कि जहर की वजह से ये सनक गए थे और बंदरों से हेल्प वाली बात इन्होंने बेहोशी की हालत में इमेजिन कर ली। अब बात जो भी हो, ये तो सच है कि अमेज़न के जंगल में गुम हो जाने के बाद भूखे प्यासे हालतों में 9 दिन तक जिंदा रहना ही अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नंबर 2।
अब बात करते हैं दुनिया के मोस्ट फेरोशियस और रेयर एनिमल जैगुआर के बारे में, जिसकी भेंट अमेज़न में भटके जंगल एक्सप्लोरर योसी गिन्सबर्ग से हुई। उन दिनों योसी भी अपने दोस्तों से अमेज़न के जंगल में बिछड़कर फंस गए थे और अकेले ही पूरे 3 सप्ताह तक भटकते, भूखे प्यासे, कभी डूबते, कभी सांपों से बचते और भी जाने क्या क्या दर्द उठाते रहे। उनके इस सर्वाइवल स्टोरी को जंगल डिस्कवरी के दुनिया का मिरेकल कहते हैं। वैसे योसी एक ट्रेंड और एक्सपर्ट जंगल एक्सप्लोरर थे, मगर तकलीफें तो नॉर्मल इंसानों जैसी उन्हें भी होती थी। इन्हीं 3 सप्ताहों में एक सबसे भयानक मोड़ तब आया जब आधी रात में योसी को अपने सामने एक भयानक सा भूखा जैगुआर नजर आया, जो उन पर बस अटैक करने ही वाला था। लेकिन योसी ने सूझबूझ के साथ काम लिया और जैगुआर की तरफ आग के लपटे फेंकी, जिससे डरकर जैगुआर भाग खड़ा हुआ और योसी को जिंदगी का वरदान मिल गया। नंबर 1। अब दिल थाम लो, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अमेज़न के इतिहास के सबसे भयानक और दर्दनाक हमले के बारे में, जिसमें 2-4 नहीं बल्कि 320 लोगों की जानें चली गई। यह बात है सन 1981 की, जब 320 लोगों के एक ग्रुप ने अमेज़न के नदी में बोटिंग की थी और ये बोट अपने सभी सवारों के साथ नदी की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया था। लोगों को पता था कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी वाटर एनिमल के अटैक के वजह से हुआ था। मोस्टली लोगों को यही लगा कि इस हमले की जिम्मेदार मैन ईटिंग फिश पिरहाना है और उस नदी को कुछ टाइम के लिए एक्सप्लोरर्स के लिए बैन कर दिया गया था। लेकिन ये भारी हमला पिरहाना ने नहीं किया था और इस हमले से पर्दा उठाया जेरेमी वेड ने, जब वो अपने शो रिवर मॉन्स्टर्स को शूट करने के लिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने गए। आप यकीन नहीं करेंगे जो उन्होंने बताया कि इस हमले के पीछे रेड टेल कैटफिश का हाथ था। इनके ही ग्रुप्स ने लोगों को पानी में खींचकर डुबा दिया और फिर ब्लैक पिराना और दूसरी मांस खाने वाली मछलियों ने इनका शरीर काट काट कर खा लिया। बाद में उस जगह पर मिली बस इंसानों की खोपड़ी की हड्डियां।